हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ एक बार नए सीरीज के साथ, लक्ष्मीकांत पोल्टी के साथ। मैं एडवोकेट मोहम्मद मुकी। दोस्तों, मैं चाहता हूँ अभी तक जो हमारे चैनल है अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। आज की जो चर्चा है वो संविधान के फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। आर्टिकल 15 पे चर्चा करूंगा, आर्टिकल 16 पे चर्चा करूंगा। खासकर बात ये है कि ये पॉलिटी बहुत ही डिटेल से मैं चर्चा करूंगा और अब तक जो आने वाले यूपीएससी एग्जाम है या अदर स्टेट के जो पीसीएस एग्जाम होते हैं या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मुफीद है। दोस्तों, हमारे साथ बने रहें और आपको अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और पूरा सेशन देखिएगा और खास इल्तिजा है कि जरूर शेयर करिएगा। अब मैं बात करता हूँ कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। क्या है? कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध यानी कुछ आधार बताता है, उस आधार पर विभेद की बात करता है और विभेद को क्या है, प्रतिषेध ने प्रोविटेड कर दिया है। कौन कौन से आधार होंगे, वो आधार क्या है? यानी अनुच्छेद 15 यानी आर्टिकल 15 में ये व्यवस्था दी गई है कि राज किसी नागरिक, क्या बात करता है, यहाँ व्यक्ति की बात नहीं कहा है, नागरिक की बात करता है। आपको क्या याद रखना है, नागरिक की बात करता है, व्यक्ति की बात नहीं करता है। यानी राज किसी नागरिक के प्रति क्या है, केवल धर्म जो रिलीजन है, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म के स्थान को लेकर जो है क्या है, जन्म को स्थान को लेकर जो है क्या करेगा, जन्म के स्थान को लेकर जो है विभेद क्या करेगा, विभेद नहीं करेगा। क्या है? जात लेकर, जन्म स्थान लेकर, निवास लेकर, लिंग लेकर और कलर लेकर किसी भी तरीके से क्या है, स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। इसमें दो कठोर शब्दों की व्याख्या है जो है क्या है, इसमें दो कठोर शब्दों की व्याख्या है, विभेद और केवल। विभेद का अभिप्राय है कि किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अनपत्र के पक्ष में ना हो। केवल शब्द का अभिप्राय है कि अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। यानी केवल शब्द से यह अभिप्राय है कि अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो है दूसरी व्यवस्था में यह कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, रिलीजन, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर जो है स्टेट क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन। स्टेट जो है उसके साथ जो है, चाहे वो धर्म हो, यानी भारत में आप यहीं से आपको सेकुलर दिखाई देता है कि आप किसी भी मजहब का हो या मिनोरिटी हो या मेजोरिटी हो, आपके साथ किसी तरीके से बर्ताव या भेदभाव नहीं किया गया। मूल वंश क्या है, आपकी मूल वंश जो है यानी जो वंशों से चली आ रही है उसमें किसी तरीके से आपको क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ग्राउंड जात दिया है, ये फला जात है, ये फला जात है, तो उस जात पर भी कोई स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। लिंग है मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर है, इसके आधार पर जो है विभेद नहीं करेगी। या जन्म स्थान है, आज मैं यहाँ हूँ, पैदा हुआ हूँ, यूपी में कोई पैदा हुआ, कोई बिहार में पैदा हुआ, कोई राजस्थान में पैदा हुआ है, तो विभिन्न विभिन्न स्टेट में पैदा हुआ, इस आधार पर उसके साथ विभेद नहीं किया जाएगा। अब ये कहा कहता है दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश, यानी जो दुकान है या सार्वजनिक भोजनालय है या होटल है और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर किसी तरीके से भी जो है क्या है, प्रवेश के लिए जो है विभेद नहीं किया जाएगा। और खा कहता पूर्णता या भागता, क्या है, दोनों बात है, पार्सली और जो है अनपार्सली जो है, राज्य निधि से पोषित साधारण या जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाब, स्नान घाट दायित्व पर निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होंगे। यानी यहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा, कुएं भी पानी पिया जा सकता है, कोई भी कुएं में पानी पिया जा सकता है,
तालाब है, कोई भी तालाब को यूज कर सकता है, स्नान घाट है वो भी कोई भी यूज कर सकता है, यानी किसी तरीके से उसमें क्या निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। ये प्रावधान जो है राज्य एवं व्यक्ति के दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है, जबकि पहले प्रावधान में केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन था। क्या है पहले क्या है राज्य के बारे में प्रतिषेध का वर्णन है। विभेद और प्रतिषेध, विभेद प्रतिषेध से समान नियम तीन अपवाद हैं। इसमें जो है समान नियम के तीन अपवाद है। पहला, राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वो बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे, यानी आर्टिकल 15 जो में ये कई एक विशेष अपवाद भी दिया गया है कि स्टेट जो है इस बात की जो है परमिट करता है कि वो बच्चों या महिलाओं के लिए, यानी जो ये बच्चों के लिए महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करें। अब एग्जाम्पल तौर पे क्या कहा गया है, उदाहरण के लिए जो है स्थानीय निकायों के महिलाओं के लिए आरक्षण जो स्थानीय निकाय हैं और महिलाओं के लिए आरक्षण 50% की गई है ये व्यवस्था, और बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा में व्यवस्था भी शामिल की गई है, इसके लिए स्पेशल लॉ वो क्या नाम है इसके लिए स्पेशल प्रिविलेज क्या है स्टेट दे सकता है। बी कहता है, बा कहता है कि राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे, यानी जो स्टेट है और स्टेट 15(4) में कहती है कि जो वो स्टेट जो है अगर वो सोशली तौर पर या इकोनॉमिक तौर पर या वो क्या नाम है सोशली इकोनॉमिक तौर पर बहुत वीकर सोसाइटी कैसे है और वो उपेक्षित किया गया है, तो उस कंडीशन में जो है समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें जो है क्या है विशेष प्रोविजन दिए गए, उन्हें आरक्षण के लिए आरक्षण दे दिया गया कि वो आरक्षण के तहत तो डेवलपमेंट का स्टेट का कार्य है कि डेवलपमेंट करे। उदाहरण के लिए विधानमंडल के सीटों का आरक्षण या सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं का शुल्क में छूट शामिल है। और उसके बाद में कहा साकर राज्य को यह अधिकार है, यानी राज्य को यह अधिकार है कि वो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े, यानी सोशली पहला क्या ग्राउंड आता है और शैक्षणिक यानी एजुकेशन के तौर पर पिछड़े हैं लोगों के अनुसूचित जात या जनजाति के लोग के उत्थान के लिए, यानी क्या है अनुसूचित जात या जनजाति के लिए उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकती है, जो क्या नाम है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो है उनके जो है एडमिशन के लिए जो है कोई विशेष जो है प्रिविलेज दे सकती है या नियम बना सकती है। यह शैक्षणिक संस्था राज्य के अनुदान प्राप्त या निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। जो ये शैक्षणिक संस्थान है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो स्टेट के जो या तो अनुदान प्राप्त करता हो या पर्सनल हो या मिनोरिटी से हो किसी भी हो सकता हो उसमें उनको जो है लाभ दिए जाएंगे। और उसके बाद ये भी कहा कि अंतिम प्रावधान ये है कि संविधान के जो है 93 संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा क्या है 2005 द्वारा ये शामिल किया गया है। क्या है ये शामिल किया गया है इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार केंद्रीय शिक्षा संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2016 में पारित किया है जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग छात्रों के लिए सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं में 27% जो है सीटों की आरक्षित की गई, यानी जो है सभी जो है उच्च शिक्षा संस्थाओं में जो है 27% जो है सीटों आरक्षित की गई है, इनमें से IIT IIM जैसे संस्था भी शामिल हैं। यानी जो मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट आई थी उस मंडल कमीशन में जो है कराया गया था जनता पार्टी सरकार ने कराई थी जनता पार्टी ने मंडल कमीशन जो बनाई गई थी उस मंडल कमीशन में क्या है देश में जो है 52% जो है रिजर्वेशन के माध्यम से आए, 52% जो है पिछड़े वर्ग थे, तो पिछड़े वर्ग को जो है मंडल कमीशन ने 27% जो है आरक्षण दे दी गई है मंडल कमीशन के तहत। अब ये बात करता है कि अप्रैल 2008 में उच्चतम न्यायालय 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अधिनियम क्या है दोनों अधिनियम संवैधानिकता पर मोहर लगा दी, लेकिन न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया कि वो इसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत का पालन करे। क्या है उसमें यह है क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत है वो पालन करे, यानी इंदिरा सानी वाले केस में जो क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट आया था स्टेट जो है उसका जो है सॉरी सेंट्रल जो उसका
पालन करें। ठीक है, अब ये बताया कि कृमि लार क्या होते हैं। इसके बारे में होता है कि पिछड़े वर्गों को विभिन्न तबके के छात्र कृमि लार में आते हैं, जो पिछड़े वर्ग के विभिन्न तबकों के छात्र जो है कृमि लार में आते हैं, जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये तबके हैं, कौन से हैं तबके? पहला, संवैधानिक पद धारण करने वाला व्यक्ति जिसके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त या नियंत्रण महालेखा परीक्षक, इनको जो है क्रिमिनल लायर के तहत ये आते हैं। इनके जो हेयर्स हैं यानी लीगर्स हैं, इनको जो है रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन ये कहा कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की सेवा के में क्लास सिकर अधिकारी जो केंद्रीय सरकार राज्य सेवाओं में हों। इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठान, बैंक, बीमा कंपनी, विश्वविद्यालय आदि में पदस्थ समकक्ष अधिकारी आदि, ये नियम निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों पर भी लागू होता है। जो प्राइवेट कंपनी में जो अधिकारी ऑफिशियल करते हैं उस पर भी ये क्रिमिनल लॉ लागू होता है। ठीक है, और उसके बाद मैं कहा कि तीसरी बात ये कहा कि सेना में कर्नल में या उसके ऊपर रैंक के अधिकारी या नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बल के समान रैंक का अधिकारी भी क्रिमिनल लॉ के तहत आता है। उसके बाद का डॉक्टर की बात भी कहा कि क्रिमिनल लॉ में आता है। अधिवक्ता की बात कहा, ये थोड़ा इंटरप्रेट का सवाल है कि अधिवक्ता भी क्रिमिनल लॉ के दायरे में आता है। इंजीनियर, कलाकार, लेखाकार, सलाहकार आदि प्रकार की पेशावर भी क्रिमिनल लॉ के तहत आते हैं। और एक बात ये भी कहा कि व्यापार वाणिज्य उद्योग लगे में लगाए व्यक्ति। छठी बात कहता है शहरी क्षेत्र में जिन लोगों के पास भवन है तथा जिनके पास एक निश्चित सीमा से अधिक कृषि भूमि, रिक्त भूमि रखने वाले, वो भी क्रिमिनल लॉ के तहत आते हैं। और उसके बाद सातवीं बात कही कि जिन लोगों की सालाना आय 4.5 लाख से अधिक है या जिनके पास एक छूट सीमा से अधिक संपत्ति है, 1993 जबकि मलाईदार पर क्रिमिनल लॉ हदबंदी लागू कर दी गई है या 1 लाख थी, बाद में 2004 में इसे बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई, 2008 में 4.5 लाख कर दी गई एवं 6 लाख रुपये 2013 में कर दिया गया है। 6 लाख रुपये तो जो सालाना आया है वो क्रिमिनल लॉ के तहत आता है। ये हमने जो है आज जो बात की है आर्टिकल 15 के बारे में बात की है। अब बात करते हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर के समता, यानी ये आर्टिकल 16 से हम बात करेंगे लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 16 में राज्य किसी अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होती है, यानी सभी जो नागरिक हैं उनके अवसर की समता, अवसर की अपॉर्चुनिटी होती है। किस समय अपॉर्चुनिटी होती है कि राज्य के अधीन किसी पद पर, ये जो स्टेट में कोई भी पद होता है नियोजन या नियुक्ति से संबंधित हो, ये किससे संबंधित हो, उस पद पर नियोजन से हो या नियुक्ति से संबंधित हो के विषय में वो जो कौन से है स्टेट के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि उसको जो है समता होगी, यानी उसके उसके पद के लिए उसे समता अवसर समता इक्वल अपॉर्चुनिटी से प्राप्त होगी, यानी किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या है, किसी भी जो सिटीजन के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है। केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर या निवास के स्थान के आधार पर राज्य किसी भी को रोजगार या कार्यालय के लिए आयोग नहीं ठहराया जाएगा, यानी किसी भी रोजगार के लिए एवं कार्यालय के लिए जो है आयोग डिस्क्वालीफाई नहीं ठहराया जाएगा। ये बात करता है। फिर उसके बाद में कहता है कि लोक नियोजन विषय के अवसर के समता के साधारण 3 अपवाद हैं, यहाँ भी अपवाद दिए गए हैं। लोक नियोजन के विषय के अवसर के समता में साधारण नियम में 3 अपवाद हैं। पहला क्या है, संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास शर्त आरोपित कर सकती है। क्या है, संसद जो है किसी विशेष रोजगार के लिए निवास के शर्त को आरोपित कर सकती है, जैसे कि सार्वजनिक रोजगार जिसमें निवास करने की जरूरत अधिनियम 1957 कुछ वर्ष बाद 1974 को समाप्त हो गया, इस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में यह व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात ये कहा कि राज्य नियुक्ति के लिए जो है राज्य नियुक्ति के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद के पिछड़े वर्ग के पक्ष बना सकता है जिनके राज्य के समान प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी राज्य जो है नियुक्ति के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है।
अपने राज्य के लिए जो है 50% तक वो ऑलरेडी रिजर्वेशन करता है, किससे, अन स्टेट के, जो लोग उस स्टेट में एग्जाम देते हैं तो जनरल के ही कैटेगरी में जोड़े जाते हैं। सर कहता है विधि के तहत, क्या है विधि के तहत, संस्था की कार्यकारी परिषद के सदस्य किसी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की गई है, की जा सकती है। अब बात करते हैं मंडल आयोग और उसके परिणाम। अभी हमने चर्चा किया था मंडल आयोग और उसके परिणाम पर, यानी 1979 में मोरारजी देसाई सरकार में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री थे, उन्हें सेकंड पिछड़ा आयोग का क्या है गठन किया था। संसद बीपी मंडल के अध्यक्षता में किया गया था, जो संसद हैं बीपी मंडल, उनको जो अध्यक्षता में किया गया था। अनुच्छेद 340 के तहत संविधान में पिछड़े वर्ग के लोगों से शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति की जांच करने हेतु उनकी नियुक्ति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। यानी अनुच्छेद 340 के तहत जो है संविधान पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करने हेतु उन्नत के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की और 3743 जातियों की पहचान की गई, यानी 3743 जातियों की पहचान की गई जो कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से क्या है पिछड़े थे। जनसंख्या में उनका हिस्सा करीब 52% था, जो जनसंख्या में जो उनका हिस्सा था वो करीब कितना था 52% था, जिसमें अनुसूचित जात एवं जनजात शामिल नहीं है। क्या है इसमें जो है अनुसूचित जात और जनजात शामिल नहीं है। आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की, क्या 27% आरक्षण की सिफारिश की। आयोग ने सरकारी नौकरियों के लिए क्या क्या 27% जो है नौकरी की सिफारिश की। और कितनी जनसंख्या 52%, अगर इनको देखा 17% ये है 22% एसटी है, तो टोटल 70% जो है यहाँ रिजर्वेशन रहते हैं। और कितना दिया गया 27%, यानी इनको जो है एजुकेशन डेवलपमेंट करने के लिए 27 दिया गया। इस तरीके से कहीं ना कहीं और रिकमेंड होना जरूरी था, तब जाकर देश में जो है अगर 27 होता, अगर इसमें जो है 35% का रिकमेंड करना चाहिए था, 35% आरक्षण की रिकमेंड करना चाहिए था, क्योंकि आधे से थोड़ा कम, आधे से थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए था, सॉरी आधे से थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए था, तो ताकि जो सोशल तौर पर या एजुकेशन तौर पर पिछड़े वो बहुत ही तेज़ी से आगे हो जाते और क्रीमी लेयर के दायरे के तहत सब शामिल हो जाते। इस तरह संपूर्ण आरक्षण अनुसूचित जात और जनजात या अन्य पिछड़े वर्ग 50% हो गया। यानी कहने का मतलब मेरा यह है, अगर वो डेवलप कर लेते, अगर 35% हो पाते आरक्षण वो डेवलप कर लेते तो क्रिमिनल लॉयर में आ जाते। क्रिमिनल लॉयर आने के तहत जो है क्या है उनके जो बच्चे हैं वो आरक्षण के लाभ नहीं पाते। तो जो आने वाले हैरस थे, जो आने वाले लोग हैं, जो निचले तबके लोग हैं, अभी तक की जो पिछड़े हैं उनको उनका हक मिल जाता, अभी तक उनको हक बराबर से नहीं मिला हुआ है। मैं इस पर जो है डिसेंट व्यू देता हूँ और आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि आरक्षण पर कोई खास मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन ये मेरा पर्सनल राय है। अब बात ये करते हैं कि 10 वर्ष के पश्चात 1990 में बीपी सिंह सरकार ने सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। यानी 10 वर्ष के पश्चात, 10 वर्ष के बीत जाने के बाद में जो है 1990 में बीपी सिंह ने सरकारी सेवाओं के अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। दोबारा 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार दो परिवर्तन प्रस्तुत किए गए, 27% पिछड़े वर्ग के करीब लोगों के लिए प्रमुखता जैसे आर्थिक आधार पर और आरक्षण के आधार पर 10% का अतिरिक्त आरक्षण गरीबों के लिए दी। यानी 27% आरक्षण जो है पिछड़े वर्ग गरीबों के लोगों के लिए प्रमुखता दी, जैसे आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है 10% आरक्षण गरीबों के लिए दी। जो आज भी 10% जो आरक्षण मिला आर्थिक तौर पर मिला हुआ है, समान वर्ग लोगों को मिला हुआ है, वो भी आरक्षण जो है लीगलिटी वैलिड भी है। ये पहले के रिकमेंड दिया था 1991 में, ठीक है। आर्थिक रूप से पिछड़े, विशेष रूप से उच्च जातियों को आर्थिक रूप से कमजोर के लिए भी व्यवस्था की गई।
यानी कि ये जो 10% जो मोदी सरकार दिए हैं उससे पहले जो है ये बात रखी गई थी नरसिम्हा राव द्वारा, और आज जो है मोदी सरकार में जो है 103वां संविधान संशोधन के तहत जो है 10% उनको आरक्षण दे दी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं परिषद मंडल के जो 1992 में अनुच्छेद 16(4) का विस्तार एवं व्यवस्था पिछड़े वर्गों के पक्ष में, जिसमें रोजगार आरक्षण की बात कही गई है, व्यवस्था की गई है, उसमें उसका परीक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया, जो उसका जो है एग्जामिनेशन जो है किसके उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। यद्यपि न्यायालय ने उच्च जातियों के खास वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो खासकर 10% जो आरक्षण दिया गया है ये व्यवस्था जो है अस्वीकार कर दिया, फिर भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ शर्तों को 27% आरक्षण की संवैधता को वैधता बनाए रखने की बात कही। 10% जो है रिजेक्ट कर दिया, लेकिन और बाकी बचे 27% जो है वो बनाने की वैधता बना और 27% शेष रहेंगी इसकी व्यवस्था की गई। खास की बात ये सुप्रीम कोर्ट में जो है 103वां संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया है। अब वो लार्ज बेंच डिसाइड करेगी, लार्ज बेंच में गया है कि वो 10% जो है आर्थिक तौर पर समान वर्ग को जो आरक्षण दिया गया है क्या वो संविधान का उल्लंघन करता है या नहीं करता है, ये अभी सुप्रीम कोर्ट में बना हुआ है, लार्ज बेंच में डिसाइड करने के लिए बना हुआ है। अब ये कहता है कि अन्य पिछड़े वर्गों के क्रिमिनलाइज से संबंधित लोगों के आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाना चाहिए। वे कहता है प्रोन्नत में कोई आरक्षण नहीं है, यानी प्रोन्नत में कोई आरक्षण नहीं, आरक्षण की व्यवस्था केवल शुरुआती नियुक्ति के समय होना चाहिए, आरक्षण की व्यवस्था केवल जो है शुरुआती के समय होना चाहिए, प्रोन्नत के लिए कोई खास आरक्षण केवल 5 वर्ष को लागू रह सकता है, ये 1997 तक था। शाह कहता है कि केवल कुछ साधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षण कोटा 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षित कोटा जो है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये नियम प्रत्येक वर्ष में लागू होना चाहिए। आगे ले जाने के नियम को कैरी फॉरवर्ड नियम के पदों को बैकलॉग के लिए वैध रहेगा, लेकिन इसमें 50% जो है के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। क्या है 50% का सिद्धांत का जो है उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये कहता है अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में अति जोड़दार ओवर इंक्लूजन या न्यून जोड़ा जाए अंडर इंक्लूजन की परीक्षण के लिए अस्थायी गैर विधायी इकाई होनी चाहिए। निम्नलिखित कदम उठाए गए, क्या कदम उठाए गए? पहला क्या, अन्य पिछड़े वर्गों को क्रिमिनलाइज की पहचान के लिए रामनंदन समिति की गठन किया गया। किसकी गठन किया गया? रामनंदन की समिति का गठन किया गया। इसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे स्वीकार कर लिया गया। बाकी था संसद एक अधिनियम 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। 1993 के तहत जो है संसद जो है एक राष्ट्रीय आयोग पिछड़ा राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। ये क्या कार्य करेगी? ये नौकरी आरक्षण के उद्देश्य से सूची से नाम जोड़ने और निकालने पर विचार करता है। और शाह कहता है कि प्रोन्नत में आरक्षण जो है प्रोन्नत में आरक्षण का समाप्ति करने के मामला 77वें संशोधन अधिनियम 1995 में पास कराया गया। इसने अनुच्छेद 16 में नई व्यवस्था जोड़ी गई। इसके तहत राज्यों को शक्ति प्रदान की गई राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रोन्नत के लिए आरक्षण दिया जा सकता है। 2001 में 50वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है 2001 में 50वां संशोधन अधिनियम अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात सरकारी सेवाओं के हेतु आरक्षण के नियम के तहत प्रोन्नत के मामले में परिमाणिक वरिष्ठ की व्यवस्था करता है। इसके पूर्वगामी जून 1955 से प्रभावी किया गया है, यानी अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवा हेतु आरक्षण नियम के तहत प्रोन्नत के मामले में परिमाणिक वरिष्ठता की व्यवस्था करता है। इसमें पूर्वगामी जून 1955 में प्रभावी किया गया है। दा कहता है बैकलॉग रिक्तियों के संबंध में यह निर्णय है कि कैशवे संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत रद्द कर दिया गया। इसने अनुच्छेद 16 में एक और व्यवस्था जोड़ा गया, राज्य
ने रिक्त आरक्षित पदों के अनुवर्ती वर्ष या वर्षों भरने के लिए शक्तिशाली बनाया गया। इस तरह आरक्षित वर्ग को उस वर्ष की जिसमें भर्तियां हुई साथ नहीं जोड़ा जाएगा, ताकि आरक्षण का आरक्षण जो है 50% की सीमा का पालन किया जा सके। संक्षेप में इसमें बैकलॉग रिक्त आरक्षण 50% की सीमा को समाप्त कर दिया गया। ये कहता है 76वें संविधान संशोधन अधिनियम 1994 में तमिलनाडु क्या है 76वें संविधान संशोधन अधिनियम 1994 में तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 नवीन सूची की न्यायिक समीक्षा के तहत वंशत आरक्षण को 50% तक स्थान पर स्थापित कर दिया गया, यानी 61% आरक्षण को 50% के स्थान पर स्थापित कर दिया गया है। ये दोस्तों मैं आज जो चर्चा की है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, इस चर्चा के लिए आप जो है हमारे साथ बने रहे, पूरी के पूरे सेशन देखिए दोस्तों, शेयर करिएगा। थैंक यू, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।